कयामत की रात है, 10 का इंतजार है। जी हां, पूछता है उत्तराखंड की आखिरकार इस बार किसकी सरकार, किसका होगा राज तिलक? क्या वाकई में धामी की अंतिम स्लॉग ओवर्स, इसे बोलते हैं जब क्रिकेट की भाषा में कि जो आखिरी के ओवर होते हैं, क्योंकि धामी उसी वक्त आए और बीजेपी ने कहा कि धामी की धाकड़ बल्लेबाजी से फायदा होगा, लेकिन क्या वो फायदा हुआ या फिर हरीश रावत जो अरमान मन में पाले हुए हैं वो सपना साकार कर पाएंगे? 10 का सरताज कौन होगा, किसकी सरकार बनेगी, आज पूरा उत्तराखंड पूछ रहा है, क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद काउंटडाउन शुरू है। कुछ ही घंटों के बाद तस्वीर हो जाएगी साफ कि आखिरकार कौन बनाएगा सरकार। उत्तराखंड का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हो पाई। 2002 नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, 2007 में कांग्रेस चुनाव हारी, भुवन चंद खंडूरी मुख्यमंत्री बने, फिर निशंक, और ठीक चुनाव से पहले 2012 के चुनाव से पहले फिर खंडूरी जी को कमान सौंप दी गई। वक्त आगे बढ़ा, बीजेपी सत्ता से गई, इस बार मौका मिला विजय बोगड़ा को, कांग्रेस की सरकार आई। हुआ वही जो पहले से होता आया, विजय बोगड़ा अपना शासन पूरा नहीं कर पाए 5 साल का, हरीश रावत को कमान सौंप दी गई, फिर हरीश रावत खुद चुनाव हार गए और बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन क्या इस बार इतिहास अपने आप को दोहराएगा या फिर नया इतिहास लिखा जाएगा? आज कयामत की रात है, कयामत की रात। एक रात वो होती है जब चुनाव से ठीक एक दिन पहले, तब भी कयामत की रात होती है, जिस वक्त चुनाव मतदान होने वाला होता है, और एक रात ही होती है जब नतीजे आने वाले होते हैं। पहले दो बयान सुनिए, आज इसी मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि सरकार किसकी बनने जा रही है, एग्जिट पोल संकेत क्या दे रहे हैं और इतिहास क्या गवाही दे रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, दो बयान आपको सुना रहे हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमने कल इस संबंध में बैठक की और मतगणना से संबंधित बारीकियों को समझाने हेतु हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेतागण सभी 13 जिलों में आज पहुंच गए हैं। हमारे जो मतगणना स्थल पर जो हमारे लोग मतगणना में शामिल होंगे उनको वो लोग इन बारीकियों को समझाएंगे और ख़ास करके पोस्टल बैलेट के बारे में समझाएंगे। पोस्टल बैलेट की गणना किस प्रकार हो, ये कुछ उसमें तकनीकी बातें होती हैं, उन तकनीकी बातों की जानकारियाँ उन्हें होनी चाहिए, इसलिए हमने अपने सीनियर नेताओं को सभी जिलों में भेजा है। हमारे सीनियर नेता सभी जिलों में रहकर अब हमारे प्रत्याशियों के साथ उनका बातचीत होती रहेगी, संपर्क बना रहेगा और कोई दिक्कत आती है तो उन्हें वो हर रूप में सहयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में और राज्य के लोगों में बड़ा उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाने वाली है और सबको विश्वास भी है। हमने 5 साल तक लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है, जो हमने काम किए हैं जनता ने उस पर हमको वोट दिया है। नरेंद्र भाई मोदी जी का मैजिक भी रहा है, डबल इंजन का काम भी रहा है और प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां था उसका भी रहा है। जनता चाहती है, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब चाहते हैं कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और सब कल के लिए उत्सुक हैं। सब ने तैयारियाँ कर ली हैं कि कल ये उत्सव हो रहा है प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का, और कल राज्य की नई सरकार जारी है और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो सबके दावे हैं, सबकी तैयारी है, सबकी रणनीति है, सरकार किसकी बनेगी ये कुछ ही घंटों के बाद साफ हो जाएगा, क्योंकि जिस तारीख का बेसब्री से सबको इंतजार है वो तारीख, वो लम्हा, वो वक्त आ रहा है, यानी कि 10 तारीख। कांग्रेस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब कांग्रेस के दिग्गज नेता एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे हुए और 10 तारीख को प्लान ए बी तैयार किया, और हरीश रावत कह रहे हैं कि हमने कोई प्लान सी तैयार नहीं किया है क्योंकि हमें मालूम है कि सरकार हमारी बनने जा रही है। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार
हम बनाने जा रहे हैं, हम इतिहास लिखेंगे नया जो अब तक उत्तराखंड में नहीं हुआ। इस बार उत्तराखंड में कमल खिलेगा। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ कि आखिरकार क्या होने जा रहा है, क्या आकलन किसका है। इस वक्त हमारे साथ संजीव वर्मा जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी के नेता हैं। महेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के नेता हैं, अनुभवी चेहरे हैं। दीपक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे हैं। कमलकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से। ये वो चार चेहरे हैं जिन्होंने पूरी जी जान शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा। अब जनता तय करेगी कि आखिरकार किसके भाग्य में उसने क्या लिखा कुछ ही घंटों के बाद। संजीव वर्मा जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे क्योंकि आप लोगों ने कहा इतिहास नया लिखेंगे हम, इस बार वो होगा जो नहीं हुआ। लेकिन मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछ सकता हूं, कुछ परेशान परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है सर? सर म्यूट हो रखा है, अब ठीक है? बिल्कुल। मैंने कहा वर्मा जी कुछ परेशान लग रहे हैं, जान सकता हूं सब ठीक है? ऑल इज वेल। ऑल इज वेल सर, ऑल इज वेल। तिलक जी देखिए, 2022 का जो चुनाव था उसकी मतगणना आरंभ जी जी सर, उसकी मतगणना होने जा रही है और जो मैं आपको दावे के साथ बोलना चाहता हूँ, कल हम एक मिथक भी तोड़ेंगे कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस इस तरह का जो उत्तराखंड में एक मिथक चला रहा था उस मिथक को कल हम पूरी तरह से ध्वस्त करने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत की सरकार, जो हमने विकास के मुद्दे पर हमने चुनाव लड़ा, विकास के मुद्दे पर जनता ने हमको एक भरपूर आशीर्वाद दिया, जनता का जबरदस्त स्नेह और वोटों के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हम जनता के कृतज्ञ हैं, जनता का हम आभार भी व्यक्त करते हैं और जनता ने जिस तरह से अपना स्नेह दिया है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ पुनर्सत्ता में हम लोग वापसी कर रहे हैं। तो यानी मैं वर्मा जी मान लू ना, वर्मा जी आप ही की बात मैं मान लू ना कि आपकी बार 60 पार? सर बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं सर, अब की बार 60 पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल से कहीं ज्यादा शानदार थी भारतीय। अच्छा, उसने आपका उत्साह बढ़ा दिया, ऐसा उत्साह तो आपका पश्चिम बंगाल में भी बढ़ा था सर, ऐसा उत्साह पश्चिम बंगाल में भी बढ़ाया था मेरे साथियों ने, और ऐसा ही उत्साह आपका जो है गुजरात में भी बढ़ाया था, छत्तीसगढ़ में भी बढ़ाया था, है ना सर? ये ऐसा उत्साह बढ़ाते रहते हैं मेरे साथी, लेकिन हो जाता है उल्टा। हर चीज को नेगेटिव चश्मे से देखना अच्छी बात नहीं है। अच्छा चलिए, मैं नेगेटिव नहीं, मैं पॉजिटिव ही देखता हूं। जिस तरह से पूरा चुनाव कांग्रेस ने एक नेगेटिव के आधार पे लड़ा, उनके पास ना कोई विकास, महेश जोशी जी ओके, महेश जोशी जी देखिए सर, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं महेश जोशी जी, सुना आपने वर्मा जी क्या कह रहे हैं? वर्मा जी कह रहे हैं कि अब की बार 60 पार ये पक्का है और मिथक इस बार टूटेगा और इतिहास लिखा जाएगा। आप भाजपा दिख रही है मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कल सब कुछ पता चल जाएगा, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, सब सामने आ जाएगा कि 60 पार होते क्या होता है। अच्छा जब तक मतगणना के रिजल्ट आते हैं, जब तक मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है किस आधार पर ये 60 पार का दावा कर रहे हैं। आपके चेहरों पे मायूसी और हताशा ही आनी है। एक मिनट वर्मा जी, एक मिनट। अच्छा अच्छा चलिए, ये तो कह रहे हैं कि यार 60 पार, तो आपके कितने पार? कांग्रेस प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाने जा रही है, आप देख लीजिए निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रदेश में, तो मतलब इंतजार कीजिए आप। हम तो मतलब आप मुझे ये कह रहे हैं कि हरीश रावत मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं? देखिए मुख्यमंत्री कौन बनता है उसका फायदा फैसला तो जब विधायक
चुन के आएंगे तो वो विधायक मंत्री। देखिए जोशी जी, ऐसा मत बोलिए कि विधायक, ऐसा मत बोलिए कि विधायक चुनकर विधायक चुनते हैं, ऐसा मत बोलिए प्लीज। निश्चित रूप से जो विधायक कांग्रेस के विधायक चुन के आएंगे तो वो एक अपना प्रपोजल बना के केंद्रीय हाईकमान को हाँ, तो वो तो जाता है कि भैया आला कमान तय करेगा, आला कमान तय करेगा, यही होता है ना उसमें कि जो उसमें विधायकों की संस्कृति भी होती है, विधायकों का निर्णय भी होता है, विधायक अपना नेता चुन के फिर, यानी विजय बोगड़ा को विधायकों ने चुना था, आप मुझे ये कह रहे हैं? जी विजय बोगड़ा को विधायकों ने चुना था, जी 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 अपना नेता विधायकों ने विजय बोगड़ा को चुना था कि इनको मुख्यमंत्री बनाइए, आप मुझे ये बता रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा ही हुआ था। और तिवारी जी को भी विधायकों ने चुना था कि तिवारी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, ऐसा ही हुआ था? बिल्कुल जी, ऐसा ही हुआ था सर। बिल्कुल जी, तिवारी जी प्रदेश के नेता थे। नहीं नहीं, वो तो देश के नेता थे सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो मुझे समझा रहे हैं, है ना सर, जो मुझे आप समझा रहे कि हमारे विधायक चुनते हैं और हमारे विधायकों ने चुना तिवारी जी का नाम और तिवारी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, हमारे विधायकों ने चुना कि विजय बोगड़ा को मुख्यमंत्री बनाइए और विजय बोगड़ा को हमने मुख्यमंत्री बना दिया, विधायकों को चुन के आने दीजिए, उसके बाद देखिए। सर सीधा सीधा बताइए ना कि विधायक हमारा आला कमान तय करता है सर, जनता उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। एक मिनट, कमलकांत जी, उत्तराखंड क्रांति दल, क्या उम्मीद है सर इस बार? कमलकांत जी, हेलो जी सर, कुछ उम्मीद है किससे सर? जनता से, बीजेपी कांग्रेस से? जनता से तो बीजेपी कांग्रेस से क्या सर हमें उम्मीद होगी? हमारा तो अपना है, अपना अपना उत्तराखंड है, उत्तराखंड क्रांति का अंदर इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और आपको मैं बता दूं वोट परसेंटेज भी नहीं, बहुत अच्छा अभी रहेगा। अभी जाना कहाँ है, कुछ कंफर्म हुआ बीजेपी या कांग्रेस कहाँ जाना है? आपने आज का पेपर नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा मैंने, आप पढ़ा लीजिए, मैंने आपका इतिहास पढ़ा है, मैंने आपका इतिहास पढ़ा, पेपर नहीं पढ़ा सर। नहीं आज के स्टेटमेंट क्या है आप बताइए ना, मैं स्टेटमेंट बताता हूँ क्या स्टेटमेंट है। आपका स्टेटमेंट दिया गया है कि खासतौर से हमारे माननीय कांस्टीट्यूशन जी ने कि हम किसी भी दल को कोई समर्थन नहीं करेंगे। दिवाकर भट्ट से साइन करवा लिए? नहीं, साइन क्या किसी से क्या करेंगे, मैं बता रहा हूं ना सर, ये साइन तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐलान हुए हैं सर, तब भी हुआ था जब ओम गोपाल रावत थे, तब भी हुआ था जब प्रीतम पवार थे, ये तब भी हुआ था जब दिवाकर भट्ट थे, तो इसलिए कह रहा हूं सर साइन करवा लिए ना कि नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज की बात है सर, आपके विश्वास को मैं विश्वास मान लेता, आपके विश्वास पर मैं मान अगर लेता, आप मानेंगे, लेकिन अगर आप मानेंगे, और नहीं मानेंगे सर, मैं बोल रहा हूं मैं आपका विश्वास तो मान लूंगा सर, लेकिन उनका क्या जो आपके चुनाव चिन्ह कुर्सी पर ही चार पाए यूं करके खड़े हो जाते हैं, कहते कि एक पाया मेरा, एक पाया मेरा, एक पाया मेरा, और कुर्सी को ही तोड़ देते हैं, मैं उनका विश्वास कैसे मान लूं? आप मेरा विश्वास मानिए, आज चलिए मैं जैसे जो बोल रहा हूँ वही होगा। ओके, आप जो कहते हो अच्छा, ओके बहुत अच्छी बात है। कितने उम्मीद है सर, एक या दो या तीन, कितने सर आपने क्या लगाया? नहीं सर, अब मैं चुनाव थोड़ा ना लड़ रहा हूँ, लड़ तो आप ही रहे ना सर, मेरा आकलन क्या, आकलन तो आप लोग लगा रहे हैं ना। नहीं आकलन में हवा में तीर थोड़ी ना मारता हूँ, मेरा हवा में तीर जाकर तो देव प्रयाग अटक जाएगा, फिर आपने कुछ और भी सोचा, नहीं, केदारनाथ भी सोचा, आप लोग आकलन लगा रहे हैं ना सबने के अनुसार अपना, सर आपका आकलन क्या है, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, आपका आकलन क्या? हमारा आकलन तो आप नतीजा बता देंगे, नतीजे बता देंगे, यानी आपका कोई आकलन नहीं है। ओके दीपक पांडे जी, कैसे हैं आप? नमस्कार तिलक भाई। दीपक जी देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, वो कह रहे हैं 60 पार, और महेश जोशी जी कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत विधायक चुनेंगे मुख्यमंत्री, पहली बार मुझे पता चला उत्तराखंड में विधायक मुख्यमंत्री चुनते, मुझे पहली बार पता चला, कांग्रेस के वो भी आज ही पता चला मुझे। और आप जो कमलकांत जी कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा होगा कि हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, नहीं मतलब देंगे। है ना सर, ये भी बड़ी हैरानी की बात है, मतलब उत्तराखंड क्रांति दल कह रहे कि हम किसी को समर्थन ही नहीं देंगे, अब जीत के आएंगे उनकी कोई गारंटी नहीं है, है ना, कि किसको समर्थन देंगे, अब आपका क्या है कुछ? बिल्कुल, हमने ना बीजेपी वालों की तरह 60 पार के नारे लगाए हैं,
ना हमने ये कहा कि हमारी 10 सीटें आ रही है, ना 12 15 आ रही है, ना 45 आ रही है। हमने शुरू से यही कहा है, आपने के साथ इतनी डिबेटों में मैं बैठा हूँ, आपने देखा होगा हम जीरो से ऊपर है, जा भी है, हमने अपना काम करा है, जनता के बीच में अपने मुद्दों को रखा है कि अगर आम आदमी पार्टी आती तो इस तरह के विजन्स रहेंगे, और ये बाकी जनता को तय करना है, क्योंकि जनता ही जो है हमारी कहीं ना कहीं जीरो से आगे कुछ बढ़ोगे या जीरो पे ही रहना है। नहीं सर, मैंने कहा कि जो भी है हम जीरो से ऊपर रहेंगे, मैंने कहा, मैंने जीरो पे नहीं कहा। और हमने कहा कि इस बार हमारी पूरी जमीन तैयार हो रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी है जोर शोर से, और आप देख रहे हो कि इस बार अगर बीजेपी कांग्रेस को किसी से डर है तो वो है आम आदमी पार्टी से, आपसे पता आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से विस्तार कर रही है, आपसे डर है इनको? मेरे से नहीं, आम आदमी पार्टी के आने से डर है हमसे, बिल्कुल है, इनको कहा नहीं है, पंजाब में नहीं डर रहे थे क्या, दिल्ली में नहीं डर रहे थे क्या, और आम आदमी पार्टी का विरोध क्यों कर रहे हैं वरना, ये और किसी का विरोध ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, अब तो वो डर गए ना, अब सच सच बता दो दीपक भाई, अब तो सच सच बता दो, वो डर गए, अब तो नतीजे आना है कल, सच सच बता दो। बिल्कुल नतीजे आने, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि हमारे 5 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 60 पार आ रहे हैं, जितने ये झूठी हंसी दिखा के बता रहे हैं हमारे 60 पार आएंगे, इनकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी पहले तो ये तय करिए अपनी, अभी बताओ कितने को खरीद फोक करने की तैयारी करेंगे, ये उसकी तैयारी करें। वर्मा जी, मुझे पता चला है वो चार्टर्ड प्लेन काशीपुर की तरफ उड़ रहा है जो आपने मंगवाया, कुछ ऐसा है क्या, एक चार्टर्ड प्लेन देवप्रयाग भी जा रहा है, कुछ ऐसा है वर्मा जी, ये बात सच्ची है झूठी है वो चार्टर्ड प्लेन वाली? आप कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं सर? मैं 2016 वाले की बात नहीं कर रहा, मैं 2022 वाले प्लेन की बात कर रहा हूँ, चार्टर्ड प्लेन की। सर मुझे लगता है कोई स्पेशल सूचना आपके पास इस तरह की होगी। अच्छा, मेरे पास तो ऐसे कोई सूचना नहीं है। आपके पास कोई सूचना नहीं है, इतना परेशान हो रहे दीपक जी और कमल कांत जी, मैंने इसलिए यही कह रहा था कि मैं सूचना आप ही से दिलवा दूंगा। इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि चार्टर्ड प्लेन तैयार है, दिल्ली में होटल बुक है, एक एक बस भी खड़ी हुई है, कब कहां जरूरत पड़ जाए प्लान ए बी सी तैयार है, कुछ ऐसा है क्या? सर ये आप मेरे से बात कर रहे हैं? जी जी वर्मा सर, आप ही से पूछ रहा हूं। तिलक जी देखिए, आप ही लोगों पे उम्मीद की जा सकती है, आप लोग ऐसे काम करते हैं ना, प्लीज प्लीज। जी जी तिलक जी देखिए, हमको ना प्लान ए की आवश्यकता है, ना बी की आवश्यकता है, ना सी की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ, एक क्लियर मेजोरिटी के साथ पुनर्सत्ता में वापसी कर रही है, और कुछ ही घंटों का बीच में एक समय शेष है। मैं सोचता हूँ कल 12-1-2 बजे के आसपास पूरी पिक्चर हम सबके सामने क्लियर हो जाएगी। जिस तरह से कांग्रेस लगातार कभी ईवीएम के ऊपर सवाल उठाती रही, कभी पोस्टल बैलेट के ऊपर सवाल उठाती रही, कभी आपके जितने बड़े नेता हैं वो आपस में एक कॉन्ट्रडिक्टरी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ जनता को भ्रम में डालने का एक तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने काम में लगी हुई है। नतीजे आने से पहले इतने बहाने ढूंढ लिए कि आपको बहानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी ईवीएम की बहाना, कभी पोस्टल बैलेट का बहाना। वर्मा जी कह रहे यही आधार है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की सरकार ही नहीं आ रही। देखिए हमें लग रहा है कि ये भाजपा सत्ता में तो कुछ भी कर सकती है, इन्हें सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए हमें आशंका है, तो हमने वो आशंका व्यक्त की है। नहीं, अगर सत्ता में कुछ भी हो सकता तो फिर इंदिरा गांधी कभी चुनाव ना हारती, अगर सत्ता में सब कुछ हो सकता तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी कभी चुनाव ना हारते, अगर सत्ता में सब कुछ हो सकता। तो फिर ये पश्चिम बंगाल कैसे हार गए, अगर सत्ता में सब कुछ हो सकता तो पश्चिम बंगाल कैसे हार गए थे? पश्चिम बंगाल में भी अपनी सारी उन्होंने रणनीति बना दी थी, उसमें वो सफल नहीं हो पाए हैं। ओके वर्मा जी, रिएक्ट करना चाह रहे, फिर कमल कांत जी और दीपक जी आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए वर्मा जी। तिलक जी देखिए, कांग्रेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ना तो ये अधिकारियों के ऊपर विश्वास करते हैं, ना ये न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं, ना ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास करते हैं, और अब तो हद तो जब हो गई जब इन्होंने सेना के ऊपर भी उंगली उठाने का काम किया, जब इन्होंने फोर्सेस के ऊपर
उंगली उठाने का काम किया और जब इन्होंने जनता के ऊपर ही उंगली उठाने का काम कर दिया, जिस समय जिस तरह से हमारे ओल्ड एज जो जनता है उन्होंने अब पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान किया, नहीं उनकी चिंता वाजिब क्यों नहीं है? जोशी जी प्लीज रिएक्ट करना चाहे जल्दी से, फिर दीपक जी आपके पास आ रहा हूँ और कमलकांत जी आपके पास आ रहा हूँ। जोशी जी मेरा ऑडियो आ रहा है? आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ वर्मा जी कह रहे हैं कि इतनी बहानेबाजी अच्छी नहीं है सर, बात खत्म करिए, मान लीजिए हार। बहानेबाजी नहीं है, हकीकत है। 2016 में देखिए इन्होंने विधायकों को तोड़ने का काम किया है, पैसे के बल पे विधायक खरीदने का काम किया है, जो इनके जिस तरह से इनके व्यवहार रहा है उसी के आधार पर हम इस तरह की बात जी। आप देखिए वो चीजें तिलक जी 2016 में कांग्रेस के जितने विधायक कांग्रेस तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे वो कांग्रेस में हरीश रावत जी की तानाशाही से त्रस्त होकर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का उन लोगों ने दामन थामा था। हाँ हाँ वो मुझे पता है। और हाँ पूरा उत्तराखंड जानता है सर, वो पूरा उत्तराखंड जानता है, आपकी बात से सहमत है। लेकिन वर्मा जी छोड़िए ना उस बात को, गंगा में बहुत पानी बह गया। वो सुनने में आ रहा है 2016 वाले एक्सपर्ट आ रखे हैं यहाँ पर, ये बात सच है झूठ? वो एक्सपर्ट आ रखे हैं कुछ स्पेशलिस्ट 2016 वाले। तिलक जी हंसी आती है, हंसी आती है एक हंसी मजाक का एक अखाड़ा बना के छोड़ दिया है। ना ना कभी सर देखिए ना, चुनाव की इतनी थकान है आप, कभी कभी किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी किसी पे आरोप लगाते हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजोरिटी के साथ सत्ता में पुनर्वापसी कर रही है। अच्छी बात, हमारे को इतनी चुनाव की थकान, हमको किसी की फिलहाल आज की तारीख में कोई आवश्यकता नहीं है। पक्का? ना रुक जाइए, जनता ने एक मिनट का बोर्ड लगा लो। आप जो बात बोल रहे दोबारा से दोहराइए कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ एक बार दोबारा से दोहरा दीजिए। तिलक जी मैंने कहा जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया है, हम लोग क्लियर मेजोरिटी के साथ सत्ता में पुनर्वापसी कर रहे हैं। आपने जो बात कही जरूरत नहीं पड़ेगी, उत्तराखंडियत का विरोध करने वालों से हाथ नहीं मिलाओगे, आप ये बात कह रहे हो ना? यही उत्तराखंडियत के विरोधी है ना सारे? बोलिए तिलक जी बात को घुमाइएगा मत। नहीं नहीं मैं तो याद दिला रहा हूँ, मैं तो जोशी जी को याद दिला रहा हूँ। 2016 में बात आपसे घुमा घुमा के जो पूछ रहे हैं, 2016 में यही जोशी जी थे, कह रहे थे कि उत्तराखंडियत का कत्ल कर दिया, हत्यारे हैं, उत्तराखंड की सरकार को गिरा दिया, उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया और 8x8 के कमरे में ज्वाइन करवा दिया पार्टी में, 8x8 के कमरे में पार्टी में ज्वाइन करवा दिया उन्हीं नेता को जिन्होंने सरकार का कत्ल किया था, उन्हीं कातिलों को, इन्हीं के मुताबिक वो कातिल है उत्तराखंडियत के, इन्होंने पार्टी में ज्वाइन करवा दिया, टिकट दे दिया उनकी बहू को। बोलिए आप सर। तिलक जी कांग्रेस अगर इसी बात को उत्तराखंडियत बोलती है कि जो उत्तराखंड से विशेष राज्य का दर्जा छीनने वाली कांग्रेस, सर वो हो गया ना, वो हो गया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मैं कमलकांत जी और दीपक जी को बोलते हैं, आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री कैमरे के सामने बोलते हो कि जितना चाहो कमा लो, आंखें मूंद लूंगा, लेकिन मेरी सरकार बचा लो, ऐसा बोलने वाली कांग्रेस और कमलकांत जी ये मुख्यमंत्री लाके खड़े करते उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का ये लोग काम कर रहे हैं। कमलकांत जी आप सब काम एक मिनट दीपक जी एक मिनट पतिता ही लगा रहे पूरे प्रदेश में एक मिनट पूरे जनता के टैक्स के पैसे का इतना गुस्सा तो कांग्रेस को नहीं आया दीपक जी, इतना गुस्सा तो कांग्रेस को नहीं आया जितना गुस्सा आपको आ रहा है।
एक मिनट रुक जाइए ना सर, मेरे को इनकी बातों में गुस्सा आता है कि ये इतना झूठ कहां से बोलते हैं, कौन सी फैक्ट्री में जाके सीखते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाई रखी है अपनी, झूठी फैक्ट्री बना के रखी है। और डेवलपमेंट नजर आते हैं पिछले 5 साल में डबल सरकार के माध्यम से किया है ना। हाँ सर, कल बात करेंगे ना वर्मा जी, 21 वर्षों में भी इतना डेवलपमेंट अभी तक हुआ नहीं है। हाँ सर, प्रबुद्ध जनता ने सम्मानित कमल कांत जी एक मिनट वर्मा जी एक मिनट कमल कांत जी, चलिए आप जो बातें कह रहे हैं मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं इतिहास को आंखें बंद कर लेता हूँ, भूल जाता हूँ इतिहास को, लेकिन लेकिन अगर पुरानी मोहब्बत जाग गई, समझ रहे हैं ना, पुरानी मोहब्बत जाग गई तो फिर क्या करेंगे आप? फिर तो आप पहले भी खाली हाथ थे, अब भी खाली हाथ, हम पार्टी से निकाल देंगे, निष्कासित कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन फिर उन्हीं की पुरानी मोहब्बत जाग गई, मैं तब की बात कर रहा हूँ, उसके लिए क्या इंतजाम है? देखिए आपने सही बोला, इतिहास से आपने सीखना चाहिए, अगर इतिहास नहीं सीखे तो नुकसान अपना ही होता है। 2002 समझना चाहिए, कौन से वाले इतिहास से सीखे आप, 2002 वाले से, 2007 2012 वाले, किस वाले से सीखे हैं? खैर मैं उस समय पार्टी में नहीं था, मैं ये इतना तो ज्यादा बोल नहीं सकता। नहीं नहीं मैं अगर आप, मैं वही इतिहास बोल दीजिएगा, नहीं मैं जब नहीं था तो बता रहा हूँ, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो आप बता दीजिए मैं किनसे पूछूं ये सवाल, बीडी रतूड़ी जी से पूछूं, काशी सिंह गैरी जी से पूछूं, या एक वो थे त्रिवेंद्र सिंह पवार जी, किससे पूछूं? देखिए मैं आपसे एक बात और दोबारा कह रहा हूँ कि आज के पेपर में आपको कुछ स्टेटमेंट करना होगा, हमारे माननीय अध्यक्ष जी काशी सिंह गैरी जी का, हम किसी को जिम्मेदारी तो अभी आप ले रहे थे, और आप दिला रहे थे तिलक भाई साहब को, बोलता रहा हूँ मैं भी कह रहा हूँ, और काशी सिंह गैरी जी और कितने जने रहा हूँ, क्या आप आदमी पार्टी से पूछी, आप भी बोल रहे हो तो देखूंगा वाली बात करोगे तो फिर ऐसा तो है नहीं, बाकी मैं ढिंढोरा तो नहीं, अभी हमारा तो आम आदमी पार्टी का तो कोई इतिहास ही नहीं है, अभी हम तो पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप लोग तो 4 साल इलेक्शन लड़ रहे हो, पांचवें दहलीज पे खड़े हैं, हमने चुनाव भी आपसे ज्यादा विधानसभाओं में लड़े होंगे, 70 के 70 विधानसभाओं में, दीपक पांडे जी कितने विधानसभाओं में आपने इलेक्शन लड़े हैं, दीपक पांडे जी आप अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बता दीजिए ना, दीपक पांडे जी तो आप करोड़ों रुपए खर्च करके ऐसे लाओगे, एक मिनट, अरे नाराज क्यों हो रहे, चेहरे पे तनाव क्यों ला रहे भाई, कमल कांत जी हो गया, आगे भी इलेक्शन लड़ने फिर मिलना है, कमल कांत जी एक मिनट संयम से, कमल कांत जी का ऑडियो उत्तेजित हो गए, दीपक जी फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूँ, कार्यक्रम वाइंड अप करने से पहले उसी सवाल के साथ जो सवाल मेरा आज से तीन, एक मिनट, कमल कांत जी हो गया एक मिनट, दीपक जी हो गया, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, एक उत्तराखंड का एक और मिथक है, जिसने जीती गंगोत्री उसकी बनी सरकार है ना, जिसने जीती गंगोत्री उनकी बनी सरकार, ये जी बिल्कुल सही कहा, कर्नल साहब की जमानत बच रही है कि नहीं? नहीं ये तो मेरे को भी नहीं पता, ये तो जनता ही बताएगी, क्योंकि जनता ने जो तो अपना वोट दे रखा है वो मत पेटी में है सारा, ये तो वक्त तय करेगा, और जमानत बच जाएगी, आपको उम्मीद तो होगी ना आपके नेता है, जमानत बच जाएगी उनकी कि नहीं? नहीं जमानत तो बचेंगी, जमानत की वाली बात कहां से आ गई इसमें, पक्का जमानत तो बिल्कुल बचेगी साहब, बेफिक्र, कर्नल साहब का भी अपना एक कैटर वोट है और एक लोगों के बीच में एक अपनी छवि है, वो एक आइकन है वहाँ के लोगों के लिए। ओके ओके वर्मा जी मैं नोट कर लेता हूँ, चलते चलते आपकी बार 60 पार आपने कहा, आपकी बार 60 पार, पहली बात बड़ी खबर, आपकी बार 60 पार मैंने नोट कर लिया, और आपने जोशी जी कहा कि हमारे विधायक चुनेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, और हमारे विधायक चुनते आए हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, आपकी बात मैंने नोट कर ली, दोबारा कह रहा हूं, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, रिजल्ट आने की बात में कांग्रेस विधायक मंडल, कमल कांत जी
आहूत की जाएगी। कमल कांजी, मैंने आपकी बात नोट कर ली कि हम किसी को भी समर्थन नहीं देंगे, हम किसी को भी समर्थन नहीं देंगे, आपकी बात भी मैंने नोट कर ली, और आपकी बात भी मैंने दीपक जी नोट कर ली कि कर्नल कोठियाल की जमानत बच रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कल मुलाकात करेंगे, कल पक्का 100%। तो ये थे दावे और वादे, लेकिन कयामत की रात है आज। देखिए आखिरकार 10 मार्च को होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड में धमाल जरूर होगा, धमाल। अब ये सियासी धमाल में बाजी कौन मारेगा, इसका कुछ ही घंटे करिए इंतजार, स्थिति हो जाएगी साफ। और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, पूछता है उत्तराखंड। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।